नमस्कार साथियों, आज हम लोग हीगल के राजनीतिक दर्शन पर चर्चा करेंगे और हीगल के राजनीतिक दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है उसका द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत, डायलेक्टिक्स का सिद्धांत। और एक बार अगर हमने इस द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को समझ लिया, डायलेक्टिक्स को समझ लिया हीगल के, तो आप ये समझिए कि उसका पूरा पॉलिटिकल थॉट समझने में हमें बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इस फाउंडेशनल प्रिंसिपल की कि हीगल का जो टोटल पॉलिटिकल थॉट है वो उसके डायलेक्टिक्स पर आधारित है। आइए इसको देखते हैं कि ये द्वंद्वात्मकता ये का सिद्धांत या डायलेक्टिक्स का सिद्धांत है क्या। पहली चीज ये देखते हैं कि हीगल ने भी उस मूल प्रश्न को हैंडल किया है जो प्रत्येक राजनीतिक चिंतक का एक प्रकार से जटिल समस्या होती है, जिसको कि हम इथिकल पोजीशन ऑफ द स्टेट कहते हैं या राज्य की नैतिक स्थिति कहते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि किसी राज्य में व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितने शक्ति दी जाए, व्यक्ति और राज्य का समीकरण क्या हो, स्वतंत्रता और शक्ति के संतुलन क्या हो। ये निर्धारण आज तक कोई भी राजनीतिक विचारक अंतिम रूप से कर ही नहीं पाया, इसलिए ये प्रश्न सदैव ज्वलंत रहा है और आगे भी हमेशा ज्वलंत रहेगा। हीगल का जो काल, तो हीगल को जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि उसको एक आदर्शवादी विचारक के रूप में जाना जाता है, और यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आदर्शवादी जो हम कहते हैं हीगल को, ये अंग्रेजी के आइडियलिस्ट से का ट्रांसलेशन है हिंदी में, लेकिन जो आइडियलिस्ट वर्ड है वो आइडियल से डिराइव नहीं है, वो आइडिया से डिराइव है, अर्थात वो विचार से डिराइव्ड है। इसीलिए हीगल को एक विचारवादी विचारक भी कहा जाता है, और उसके पूरी जो चिंतन पद्धति है उसमें विचार का बाहुल्य है, विचार की प्रधानता है, जो विचार तत्व है वही उसके मूल आधार हैं पूरे ही राजनीतिक चिंतन के। दो चीज़ें हीगल ने विशेष रूप से हम लोगों को समझाने की कोशिश किया है। पहली चीज़ तो हीगल ने हमको ये बताया कि व्यक्ति और समाज के हितों में तो कोई टकराव हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही तो राजनीतिक चिंतन का मूल प्रश्न है कि व्यक्ति और राज्य में टकराव है, और हीगल हमको ये समझा रहा है कि व्यक्ति और समाज का जो हित होता है उसमें तो कहीं कोई टकराव हो ही नहीं सकता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उसने ये बताया कि जो राज्य है, जिसको कि हमने राज्य कहा है, वो राज्य जिसमें कि व्यक्ति और समाज दोनों होते हैं, ये राज्य तो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इथिकल वैल्यूज है, अर्थात नैतिक मूल्यों का ये सबसे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, अर्थात राज्य में ही हमें नैतिकता के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में दर्शन होते हैं। ये दो चीज़ें मत भूलिएगा, और एक बार अगर आप ये दोनों चीज़ें याद रहेंगे तो आपको आगे की कहानी समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। हीगल हमसे बताता है कि व्यक्ति और राज्य में जो उनके उद्देश्य हैं, एक्चुअली वो बिल्कुल एक ही से हैं। व्यक्ति का उद्देश्य भी है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, और हीगल कहता है कि राज्य का भी उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। तो जब राज्य का भी उद्देश्य वही है जो व्यक्ति का उद्देश्य है, तो दोनों के उद्देश्यों में अंतर कहाँ हुआ? और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसीलिए हीगल की हो जाती है, और इसीलिए हीगल ये कहता है कि जब दोनों के ही उद्देश्य एक हैं तो राज्य में ही व्यक्ति का सर्वोच्च विकास संभव है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये फाउंडेशनल इश्यूज हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए हीगल में कैसे कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और कैसे अपने द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है। पहली चीज़ जो हीगल में बहुत ही जहन में बैठाने वाली है वो ये है कि हीगल में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो मानता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे मूल तत्व है विचार, आइडिया, जिसको कि कई शब्दों से वो व्यक्त करता है। आइडिया कहता है वो, उसको चेतना कहता है, कॉन्शसनेस कहता है वो, उसको रैशनैलिटी कहता है अर्थात बौद्धिकता कहता है। तो चाहे वो उसको आइडिया कहे, चाहे कॉन्शसनेस कहे, चाहे रैशनैलिटी कहे, अर्थात चाहे वो उसको विचार कहे, चाहे वो उसको बौद्धिकता कहे, चाहे वो उसको चेतना कहे, किसी भी नाम से वो कहे, भाव उसका एक ही होता है कि विचार तत्व ही इस पूरे संसार का मूलाधार है।
और जो भी चीज आपको इस पूरे विश्व में दिखाई देती है वो सारे की सारे उसे विचार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात अगर आपको कोई भी चीज इस दुनिया में दिखाई दे रही है तो उस तत्व के या उस वस्तु के पीछे उस वस्तु का विचार होता है जो कि महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु के पीछे का जो विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक आप विचार को नहीं समझेंगे, विचार के चरित्र को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस वस्तु को समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जो विचार तत्व है ये एक्चुअली शुरू में जब शुरुआत हुई होगी, परिकल्पना करिए कि एकदम शुरुआती दौर जब रहा होगा तो ये विचार तत्व अपनी सुषुप्त अवस्था में था। लेकिन कोई भी चीज़ जो सुषुप्त अवस्था में होती है वो अपना विकास चाहती है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एकदम सुषुप्त अवस्था में होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन बच्चे की मूल प्रकृति क्या है कि वो अपना विकास चाहता है। वो सोचता है कि बड़े होकर हम अच्छा एक व्यक्ति बने, एक योग्य व्यक्ति बने, हमारा सर्वांगीण विकास हो। उसी प्रकार से ये ईगल कहता है कि ये जो विचार तत्व है, ये विचार तत्व सुषुप्त अवस्था में होता है, अर्थात बिल्कुल इनर्ट स्टेज में होता है, नेसेंट स्टेज में होता है, उसको खुद नहीं पता होता है कि वो एक विचार तत्व है, चेतना है, बौद्धिकता है। लेकिन उसकी चूंकि जैसे बच्चे को पता कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली उसकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो तो होती है। उसी प्रकार से हीगल कहता है कि जो विचार तत्व है वो सुषुप्त अवस्था में तो जरूर होता है, लेकिन वो वास्तव में उसकी ग्रोथ जरूर होती है। जैसे कि अपने यहां एक कहावत है कि कंकर में भी शंकर निवास करते हैं, अर्थात एक कंकर जिसको हम समझते हैं, एक पाषाण जिसको हम समझते हैं, उसी की जिस समय हम पूजा करने लगते हैं, जिस समय हम उस पर फूल पत्ती चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, दिए जला देते हैं, उसकी आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वही पत्थर कंकर से शंकर हो जाता है, अर्थात वो सर्वशक्तिमान चेतना की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से एक सुषुप्त इनर्ट कंकर में, पत्थर में अचानक चेतना का संचार हो जाता है, उसको चेतना मान के, क्या सार्वभौम चेतना मान के, डिवाइन कॉन्शियसनेस मान के हम उसकी पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना साम्य है भारतीय दर्शन में और हीगल के दर्शन में। तो वो कहता है कि हीगल कहता है कि ये जो चेतना है जो शुरू में सुषुप्त अवस्था में रहती है, जैसे किसी पत्थर में आप मान लीजिए कि चेतना नहीं है, लेकिन नहीं, चेतना होती है, पत्थर में भी चेतना होती है, और वो चेतना अपने को पूरी तरह से विकसित करना चाहती है, वो चाहती है कि हमारा पूरा विकास हो जाए, और विकास करके हम अपने हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को प्राप्त कर सके। जिस तरह से बच्चा चाहता है कि वो भावना होती है कि हमें हाईएस्ट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी प्रकार से हीगल कहता है कि जो चेतना तत्व है मनुष्य के अंदर, वो भी एक प्रकार से अपना पूरा विकास करके, चेतना तत्व है जो इनर्ट चीज़ों में, वो भी अपना पूरा विकास करके अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त करना चाहती है। लेकिन ये जो चेतना की जो विकास यात्रा है, एक सुषुप्त अवस्था से पूर्ण विकसित पहुंचने की जो अवस्था है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये एक लाइन में नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है, लीनियर फैशन में नहीं है, बल्कि एक डायलेक्टिकल फैशन में है, अर्थात जिसको कहते हैं जिग जैग प्रोसेस कहते हैं, अर्थात वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में है, वो सीधी रेखा में नहीं है। और इसलिए जिस प्रक्रिया से चेतना का या विचार का सुषुप्तावस्था से पूर्ण विकसित अवस्था में जो प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हीगल डायलेक्टिकल प्रोसेस का नाम देता है। और आइए देखते हैं कि ये डायलेक्टिकल प्रोसेस कैसे है हीगल ने ये डायलेक्टिकल शब्द जो है एक्चुअली प्लेटो से बोरो किया, और क्योंकि प्लेटो की जो चिंतन पद्धति थी, प्लेटो का जो डिस्कोर्स सिस्टम था वो डायलेक्टिकल था, ये हम सभी लोग जानते हैं। और लेकिन प्लेटो में और जो हीगल का डायलेक्टिकल मैकेनिज्म है उसमें एक बड़ा बहुत दो एक दो फर्क मैं आपको बताता हूँ जो आपको काम आएगा। पहला फर्क तो ये है कि प्लेटो में जो डायलेक्टिकल प्रोसेस थी वो चिंतन प्रक्रिया से संबंधित थी, अर्थात एक विचार प्रस्तुत किया जाता था, उस विचार का विलोम कोई देता था, और फिर उस विचार को काट के प्लेटो आगे बढ़ जाता था। अर्थात एक वाह्य विचार, एक एक्सटर्नल विचार प्रेजेंट किया जाता था एक विचार के सामने, और दोनों में अंतर्द्वंद होता था, दोनों में वाद विवाद होता था, एक विचार को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता था, और जो एक विचार है वो जीत जाता था, आगे बढ़ जाता था। हीगल में ये बिल्कुल नहीं है। हीगल में क्या है कि हीगल में जो चेतना है वो एक अवस्था, जैसे मान लीजिए कि पत्थर है, वो पत्थर
एक अवस्था है, चेतना की एक अवस्था है, और उस पत्थर के अंदर जो चेतना है वो विकास करना चाहती है, और इसलिए उसी में जो जड़ता है उस जड़ता की विलोम प्रवृत्ति पैदा हो जाती है उस चेतना में, उसी पत्थर से अंकुर फूट पड़ते हैं। और इस प्रकार से अक्सर आपने देखा होगा पत्थरों से वृक्ष निकल आते हैं, पत्थरों से घास उगाती है। तो इस प्रकार से एक पत्थर के अंदर से भी जीवन अर्थात चेतना का प्रादुर्भाव होता है, और इस तरीके से ये चेतना अपने मतलब एक विलोम प्रवृत्ति की जड़ता से चेतनता अर्थात आंतरिक उत्पत्ति है इस विलोम की प्रवृत्ति, और फिर ये आगे बढ़ जाती है। तो प्लेटो में एक बाह्य कारक विपरीत विचार पैदा करता है और उसको उसमें संघर्ष होकर आगे चीज़ें बढ़ती हैं एक रेखीय क्रम में, जबकि हीगल में ऐसा नहीं है। हीगल में वाद प्रतिवाद से संवाद की स्थिति पैदा होती है, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस की स्थिति पैदा होती है। जैसे मैं इसका आपको एक उदाहरण बताऊं कि जैसे हीगल कहता है कि जैसे परिवार को ले लीजिए, तो परिवार में प्यार सहयोग ये सब एक प्रवृत्तियां हैं जो कि हम जिसको वाद कह सकते हैं। अगर परिवार को हम माने कि एक परिवार को लेके मान के आपके परिवार में प्यार और सहयोग यही भावना मूल होती है, लेकिन इसकी विलोम प्रवृत्ति कैसे पैदा होती है कि एक समाज डेवलप हो जाता है, आसपास घर डेवलप हो जाते हैं, मोहल्ला डेवलप हो जाता है, पड़ोस डेवलप हो जाता है, और वो जो समाज डेवलप होता है, जो मोहल्ला पड़ोस डेवलप होता है, उसमें प्यार और सहयोग भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी विलोम प्रवृत्ति भी आपको उसमें दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे कुछ स्पर्धा का भी एलिमेंट आ जाता है, कंपटीशन का भी एलिमेंट आ जाता है, सहयोग के अलावा कंपटीशन का भी एलिमेंट आ जाता है, और वहाँ प्यार के अलावा भी प्यार का विलोम भी आपको दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से समाज में आपको प्यार और सहयोग की विलोम प्रवृत्तियाँ भी दिखाई दे जाती हैं, लेकिन जब परिवार थीसिस और समाज एंटीथीसिस के रूप में डेवलप होता है तो उसकी उसमें संघर्ष होता है, और जो हायर स्थिति बनती है वो है राज्य। तो राज्य की ऐसी स्थिति है जिसमें कि परिवार भी प्रोटेक्टेड रहता है और समाज भी प्रोटेक्टेड रहता है, और दोनों ही के परिवार के भी तत्व राज्य में दिखाई दे जाएंगे और समाज के भी तत्व राज्य में दिखाई दे जाएंगे। अर्थात हीगल के डायलेक्टिकल प्रोसेस में वाद या प्रतिवाद की एक दूसरे पे पूर्ण विजय या पूर्ण पराजय नहीं होती, बल्कि दोनों में संघर्ष होता है, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक हायर स्थिति पे पहुंचते हैं हम, और जो हायर स्थिति पहुंचते हैं वहाँ पे वाद और प्रतिवाद दोनों के सत्यांश उसमें सुरक्षित होते हैं। और इस प्रकार से हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो प्लेटो के द्वंद्ववाद से बिल्कुल अलग है। इसमें आउटराइट विक्ट्री ऑफ थीसिस ओवर एंटीथीसिस नहीं होती है, बल्कि प्लेटो में आउटराइट विक्ट्री ऑफ वन आर्गुमेंट ओवर अदर हो जाता है, लेकिन इसमें आउटराइट विक्ट्री नहीं होती, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इस प्रकार से प्लेटो में जब हीगल में जब हम लोग इस द्वंद्वात्मकता को देखते हैं कि किस प्रकार से ये द्वंद्वात्मकता थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस के रूप में बढ़ती रहती है, तो हीगल कहता है कि इतिहास को जब भी आप एक दार्शनिक दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो इतिहास के किसी भी बिंदु पर जो भी स्थिति आपको समाज में दिखाई देती है वर्तमान, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी समाज में वर्तमान स्थिति दिखाई देती है आप उस स्थिति से घबराएं ना। अक्सर हम लोग समाज में जो स्थिति होती है, राज्य में जो स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए इस समय कोरोना को लेके कोई स्थिति है, हम घबरा रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, नहीं आप उनसे घबराइए बात, क्योंकि ये जो परिस्थिति पैदा होती है किसी भी समाज में राज्य में किसी भी बिंदु पर, परिवार में समाज में राज्य में किसी बिंदु पर कोई भी जो परिस्थिति पैदा होती है वास्तव में एक वो हीगल के अनुसार दैवीय योजना के अनुसार वो चेतना की अभिव्यक्तियां होती हैं, अर्थात वैसा होना ही है। आप ये मान के चलिए हीगल आपको ये बता रहा है कि आप किसी भी परिस्थिति से घबराएं ना, क्योंकि वही परिस्थिति वास्तव में उस चेतना की उस बिंदु पर उस वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। अगर परिवार की कोई स्थिति है तो वो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, अगर समाज की
कोई स्थिति है तो वो चेतना की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, वो होना ही था, और वो एक संघर्ष और परिवर्तन का द्योतक है। आगे कैसा राज्य बनेगा, आगे कैसा समाज बनेगा, वो जरूर उससे बेहतर और हायर स्तर का समाज बनेगा। हमें ये आशावादी दृष्टिकोण भी प्लेटो में दिखाई देता है, सॉरी हीगल में दिखाई देता है, कि हीगल कहता है कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो हायर चेतना की ओर, हायर रैशनैलिटी की ओर हमको ले जाएगा। और इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि जो विश्वात्मा का या जो चेतना का या जो बौद्धिकता का या जो रैशनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट लोअर से हायर की तरफ हमको ले जा रहा है। और इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं इस पूरी रचना प्रक्रिया में, इस पूरे इतिहास के विकास में, विश्वात्मा के विकास में दो बहुत बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है मनुष्य। हीगल कहता है कि जीवों में मनुष्य सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है विश्वात्मा की, बौद्धिकता की, चेतना की। मनुष्य से ज़्यादा बौद्धिक कोई भी तत्व आपको इसमें नहीं दिखाई देगा जीवित प्राणियों में। और ये बात सत्य है, ये हम लोग जानते हैं कि आज तक कोई सुपरमैन नहीं बना है, मैन पे आके ही बात खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से एक पड़ाव तो मैन है, और दूसरा उसके बाद मनुष्य के बाद संगठनात्मक शुरू होता है। परिवार बनते हैं, मोहल्ले बनते हैं, पड़ोस बनते हैं, शहर बनते हैं, छोटे छोटे गांव बनते हैं, है ना। और इस प्रकार से समाज के बाद फिर अंतिम राज्य के पड़ाव तक हम पहुंचते हैं। और हीगल कहता है कि राज्य सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है चेतना की, अर्थात राज्य स्टेट इज द हाइएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्ल्ड स्पिरिट और रैशनैलिटी। अब ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि मनुष्य चेतना की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है जहाँ तक जीवित तत्वों का सवाल है, और राज्य चेतना की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है जहाँ तक संगठनात्मक तत्वों का सवाल है। और इसलिए अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अब चूंकि हमको ये क्लियर हो गया कि एक विकास हो रहा है डायलेक्टिकल प्रोसेस से, जिसमें कि वाद प्रतिवाद और संवाद से एक तिरछी आड़ी रेखा में डायलेक्टिकल प्रोसेस में डेवलपमेंट हो रहा है, और नीचे के जितने भी स्तर हैं उन स्तरों में चेतना का, रैशनैलिटी का, मॉरेलिटी का तत्व कम, और ऊपर के जितने स्तर हैं उसमें चेतना का, रैशनैलिटी का और मॉरेलिटी का तत्व ज़्यादा होता है। और इसलिए जो भी चीज़ ऊपर है उस ऊपर वाले की बात इसलिए माननी चाहिए नीचे वाले तत्वों घटकों को। अगर व्यक्ति है तो उसको परिवार की बात माननी चाहिए, परिवार है तो उसको समाज की बात माननी चाहिए, समाज है तो उसको राज्य की बात माननी चाहिए। क्यों? इसका एक बड़ा रैशनल आर्गुमेंट प्लेटो हमको देता है, क्योंकि नीचे के जितने भी तत्व हैं सीढ़ी पे विकास के, उसमें बौद्धिकता, उसमें चेतना का तत्व कम है, और जो ऊपर के तत्व हैं उसमें बौद्धिकता और चेतना का तत्व ज़्यादा है। और चूँकि राज्य में सबसे ज़्यादा है, इसलिए राज्य के जो भी आदेश होंगे, राज्य के जो भी निर्देश होंगे, उस आदेशों में, उस निर्देशों में बौद्धिकता, चेतना, स्वतंत्रता या जो भी आप समझ लें, वो सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में विद्यमान होगा। और इसीलिए हीगल कहता है कि द स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, अर्थात राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अर्थात राज्य एक प्रकार से ईश्वर है। और जिस प्रकार से हम ईश्वर को चाहे जिस रूप में जाने, चाहे जिस रूप में माने, लेकिन अगर ईश्वर है तो हम ईश्वर की रैशनैलिटी से अपनी रैशनैलिटी की तुलना नहीं कर सकते, ईश्वर की रैशनैलिटी से परिवार की रैशनैलिटी की तुलना नहीं कर सकते, ईश्वर की रैशनैलिटी से समाज की रैशनैलिटी की तुलना नहीं कर सकते। तो राज्य अगर ईश्वर है तो राज्य की बौद्धिकता, राज्य की चेतना, राज्य की नैतिकता सर्वोत्कृष्ट मानी जाएगी। और जब राज्य की नैतिकता सर्वोत्कृष्ट है तो हीगल ने जैसा पहले ही कहा था कि व्यक्ति चाहता है कि हमारा सर्वोत्कृष्ट विकास हो, अर्थात उसको अधिक से अधिक नैतिकता प्राप्त हो, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो जब राज्य सर्वोत्कृष्ट नैतिकता है और सर्वोत्कृष्ट स्वतंत्रता है तो राज्य की जो आदेश होंगे, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि राज्य के जो आदेश होंगे उन आदेशों में चेतना का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप व्यक्त होगा, उन आदेशों में बौद्धिकता का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप व्यक्त होगा, उन आदेशों में स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप व्यक्त होगा। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बौद्धिक
बौद्धिकता, हमारी चेतना, हमारी स्वतंत्रता हाईएस्ट हो, तो हमें वो हाईएस्ट बौद्धिकता, हाईएस्ट चेतना, हाईएस्ट स्वतंत्रता राज्य के आदेशों में दिखाई देते हैं, तो क्यों ना हम राज्य के आदेशों का स्वेच्छा से पालन करें। और इसीलिए हीगल कहता है कि परफेक्ट विलिंग ओबीडियंस टू द परफेक्ट लॉज ऑफ द परफेक्ट स्टेट इज परफेक्ट फ्रीडम, अर्थात जो राज्य है वो राज्य वास्तव में एक परफेक्ट राज्य होता है, और उस राज्य के परफेक्ट आज्ञाओं का पूर्ण स्वेच्छा से पालन करना ही सर्वोत्कृष्ट स्वतंत्रता का परिचायक है। और ये चीज़ अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये व्यक्ति और राज्य के कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त कर देती है, क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही व्यक्ति का लक्ष्य है, और यही लक्ष्य उसको राज्य की आज्ञाओं का स्वेच्छा से पालन करने पर प्राप्त होता रहता है, और इसलिए राज्य और व्यक्ति के बीच में कोई भी द्वंद्व हो ही नहीं सकता, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, जो कि अन्य चिंतकों के लिए बड़ी समस्या की बात होती है, किस बिंदु पर कितनी शक्ति हो, कितनी राज्य को दे। हीगल कहता है कि अरे डायलेक्टिक्स तो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि व्यक्ति और राज्य के उद्देश्यों में जब कोई अंतर नहीं है, और राज्य हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, कॉन्शियसनेस, रैशनैलिटी है, तो व्यक्ति तो राज्य के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दे और इससे वो स्वयं अपने सर्वोत्कृष्ट विकास को प्राप्त कर लेगा। लेकिन दिक्कत यही आ जाती है कि जो लॉकियन ट्रेडिशन था, जिसके बैकग्राउंड में हीगल के पहले लॉक का बोलबाला था, और लॉक जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही एक लिबरल थिंकर था, और उस समय बड़ी धूम थी पूरे यूरोप में, और इसलिए लॉक ने जिस प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट की बात किया था, सीमित सरकार की बात की थी, तो सीमित सरकार तो सीमित आदेश देती है, सीमित प्रतिबंध लगाती है, वहीं पर हीगल बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है, और वो कर रहा है कि नहीं, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर के ऊपर जो भी आदेश देगा, व्यक्ति के लिए जो भी आदेश देगा, उन आदेशों का स्वेच्छा से स्वीकार करना ही व्यक्ति की सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता का परिचायक होता है। लेकिन एक बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि भले ही इसकी आलोचना अथॉरिटेरियनिज्म के रूप में की जाए या लिबरलिज्म के मानने वाले इसकी आलोचना करें, लेकिन हीगल ने व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों को जो परिभाषित किया है वो बहुत खूबसूरत है, और वो है एक अवयव के रूप में या एक ऑर्गेनिज्म के रूप में, जैसे कि हम लोग एक अवयव हैं, सावयव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, अर्थात हमारा हाथ, हमारी आँख, हमारा कान, हमारा मुंह, हमारा पूरा कोई भी शरीर का जो अंग है वो हमारे शरीर का अंग है, तो हमारे शरीर के अंग की स्वतंत्रता हमारे शरीर से अलहदा कैसे हो सकती है, शरीर से अलग कैसे हो सकती है, तो उसी प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की स्वतंत्रता से अलग कैसे हो सकती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तो वैसी ही है जैसे कि उसके हाथ की स्वतंत्रता, अगर व्यक्ति के हाथ को कभी कष्ट होगा तो शरीर को कैसे स्वतंत्रता कष्ट नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से हीगल कहता है कि व्यक्ति और राज्य में तो इतना बेहतरीन अंतर संबंध है कि इन दोनों में कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। व्यक्ति उसी प्रकार से राज्य का अंग है जिस प्रकार से आपका हाथ आपके शरीर का अंग है, अगर हाथ स्वतंत्र है तभी शरीर स्वतंत्र है, इसी प्रकार से अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो तभी राज्य स्वतंत्र है, लेकिन हाथ कब स्वतंत्र होगा, जब वो आपके शरीर अर्थात आपके मस्तिष्क की आज्ञाओं का पालन करेगा, इसी प्रकार से व्यक्ति कब स्वतंत्र होगा, जबकि वो राज्य की आज्ञाओं का स्वेच्छा से पालन करेगा। और ये एक बहुत तरीका है जो कि हीगल ने पूरे इथिकल क्वेश्चन को बड़ी खूबसूरती से सॉल्व कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हीगल ने जो इथिकल प्रश्न है जो हर दार्शनिक को परेशान करता है वो उसको एकदम समाप्त कर दिया है कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिबर्टी एंड अथॉरिटी इन द स्टेट, देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, राज्य और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति में कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। इसको आप पढ़िएगा, इस पर अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।